बोर्ड एग्जाम साल 2024 की आगाज हो चुकी है, लेकिन मैं दुनिया के हर पेरेंट्स, खासकर हिंदुस्तान के मम्मी पापा और माता पिता से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी को परीक्षा के समय आपको खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी के रहन सहन, खान पीन में दिखे कुछ ऐसे लक्षण, तो आप फौरन हो जाए सावधान। आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करें, उनका पीठ थपथपाकर उनकी हिम्मत बढ़ाएं। देखो, पेपर अच्छा या खराब दोनों भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, लेकिन एक पेपर की वजह से आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस या तनाव में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उन्हें आप खुद साथ में बैठकर समझाएं, उन्हें बताएं कि ये एग्जाम्स के मार्क ही उनकी पूरी जिंदगी नहीं है। और यही सच है। एक बात तो सच है कि परीक्षा का नाम सुनते ही क्या बच्चे और क्या बड़े सब चिंतित होने लगते हैं। और अगर बात बोर्ड एग्जाम की हो तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मानते हैं कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स के मार्क ही एक स्टूडेंट को, एक छात्र या छात्राओं का भविष्य तय करती है। ऐसे में अभिभावक को जरूरत है शांत रहने की और अपने बच्चे को भी शांत रखें। परीक्षाओं के समय बच्चों में आने वाले लक्षणों के बारे में आप थोड़ा ध्यान से समझें। इसे समझने के लिए आप देखें कि कहीं आपका बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं। और इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको तीन ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो रोजाना रूटीन में आप ये चेक करें तो आसानी से समझ पाएंगे अपने बच्चों को। सबसे पहले स्ट्रेसनेस, आप चेक करें कहीं वो एक पेपर को लेकर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं। अगर स्ट्रेस में है तो आप उसे समझाओ, उसे बताओ। नंबर टू, रहन सहन खान पीन पे ध्यान दे, क्योंकि कभी कभी एक बच्चा, एक स्टूडेंट तीन घंटे, चार घंटे, पांच घंटे, आठ घंटे पढ़ता रहता है। तो आप उसे समझाएं कि पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना और आराम भी जरूरी है। नंबर तीन, एक बच्चे का सबसे बड़ा डर क्या होता है, एक एग्जाम में फेल होने का। उसे आप समझाओ कि सिर्फ दो ही चीज होने वाला है, या तो तुम फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे, पर कोई बात नहीं, बस तुम अच्छे से एग्जाम्स में अपने कॉपी को लिखो। आपको ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के आप अपने बच्चों का एग्जाम के समय में ख्याल रख सकते हैं।